सो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं दिल्ली का टूर करने के लिए। तो आज हमारे घर पे सेलिब्रेशन है, बर्थडे, यानी कि हमारे कुकू का बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो हम आपको जाके वहाँ का व्यू दिखाते हैं कैसा हमारा व्यू होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, आप जाम लगना शुरू हो चुका है। और दोस्तों, पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएंगे हम वहाँ पे, तो इसलिए जाम को पार करते हुए हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। और दोस्तों, वहाँ जाके हम सबसे मिलते हैं और आप सभी को भी मिलाते हैं। तो सो गाइज, हम पहुंचने वाले हैं घर पे। तो हम पहुंच चुके हैं और हमने की है थोड़ी सी फ़ोटो शूट, ताकि सबसे पहले कर लिया जाए, उसके बाद तो बच्चे इधर उधर सब बैलून फोड़ देते हैं। आपको पता ही है, बच्चों की फेवरेट चीज़ बैलून होती है। तो दोस्तों, आप देखिए यहाँ की डेकोरेशन, आप दिखाते हैं आपको कितनी मस्त डेकोरेशन की हुई है। 1 साल का हो चुका है वो छोटा बेबी, और जिसका हम बर्थडे मनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, ऊपर चलते हैं, ऊपर से मिलते हैं। लेकिन बच्चे खेल रहे हैं गेस्ट रूम में, तो हम चलते हैं अब ऊपर की और मिलते हैं सबसे। तो दोस्तों, आपका भी स्वागत है बर्थडे सेलिब्रेटर में। लेकिन हमने क्या किया कि थोड़ी देर वेट करने के बाद खाना बन चुका था, तो पहले बर्थडे मनाने से पहले हमने सभी लोगों को पहले खाना खिला दिया, बच्चों बच्चों को, ताकि अगर बर्थडे मनाने में लेट होते हैं हम, तो बच्चे भूख से दिक्कत ना हो। तो हम सब बच्चों को खाना खिला रहे हैं, जो खा चुके वो खा लिए, जो रह गए वो भी बैठे हुए हैं। अब नीचे आ चुके हैं दोस्तों, वहाँ पे भी तैयारी हो चुकी है बर्थडे के लिए। जो गोदी में है बच्चा है, इसी का बर्थडे है, उसकी मम्मी थी वो, और यहाँ पे सब लोग अब तैयारी में जुट चुके हैं। तो केक वगैरह आ चुका है दोस्तों, केक भी लगा दिया है। ये पेरेंट्स इनके हैं, ये बच्चों के लिए जो रखा है नाश्ता वगैरह है, सब बच्चों को जो बर्थडे में आए हैं उनको देने के लिए। ये गिफ्ट है उनके साइड में रखा जो, और यहाँ पे हो रही है फ़ोटो शूट। तो दोस्तों, अब सबसे नहीं पहले हुआ। केक काटने से पहले कर लेते हैं फ़ोटो शूट। सब अपने अपने जो करना चाह रहा है वो कर लेगा इसमें। और यहाँ बैठी है दादी, और ये है भूआ की गोद में। फूफा जी आ चुके हैं इसके पास, तो इन्होंने भी फ़ोटो शूट करा रहे हैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद तो हमारे दो बच्चे वैसे डांस कर रहे हैं, चाचा बेटे हैं दोस्तों ये। और अभी सबकी थोड़ी थोड़ी फ़ोटो शूट है जो इसमें आप देख रहे हैं, और सब लगे हुए हैं अपनी अपनी फ़ोटो के लिए। तो दोस्तों, काटने का टाइम हो रहा है केक, लेकिन वेट किया जा रहा है, कभी एक दो आदमी रह रहे हैं उनका वेट कर रहे हैं अभी। लेकिन हमारे बच्चे हैं जो डांस का एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी मज़े से, छोटे छोटे बच्चे। और इन बच्चों में हैं दोस्तों, एक चाचा था, एक बेटा था और एक बहन थी। रिश्ते बड़े बड़े हैं लेकिन बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे घर के। यहाँ पे लेडीज सब इकट्ठी हो चुकी हैं और सब तैयारी के वेट कर रही है केक काटने का। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार किया जा रहा है और मेहमान आने के लिए। तो ये हमारी पार्टी है और हम खड़े हैं इनके साथ, सबके साथ जब मिल रहे हैं सबसे। ये हमारे सारे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, जो यहाँ हमसे मिलने आए हैं और बर्थडे में भी आए हैं। ये सारे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं जो हमारी हर वीडियो एंजॉय करते हैं। तो ये आ चुका केक और लगा चुके हैं केक की तैयारी में, और यहाँ पे शुरू हो गया फ़ोटो काटना, फ़ोटो खींचना।
और अब हम दिखाते हैं आपको अच्छी तरीके से इनका बर्थडे सेलिब्रेट। ये कार्ड जा रहा तिलक, इसका भी बर्थडे है और गोदी में है उसका भी, तो दोनों के तिलक किया जा रहा है। बुआ ने तिलक किया है इन दोनों के, और अब बर्थडे काटने का केक काटने के लिए तैयारी में है। तो वो दादा की गोदी में है, दादा और दादी खड़े हैं इनके पास, और सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और करने के लिए। Making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make you duller. Be a suit and tie to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. I'm feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away. Cause my people are my people. I'm not running in your race. But I run real hard like a track star. Don't gotta run hard just to get far. Cause I work real hard, but then I play harder. That's how I know that I'ma get farther. Wanna have a party, let it all hang out. Come on, let me show you what it's all about. Like, whoa.